बारिश से नदियां आई उफान पर, गांव में भरा पानी। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में काफी जिलों में नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुरादाबाद में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खेत में खड़ी किसानों की धान की फसल भी डूब गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा, ढेला व कोसी नदी में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी आ जाने की वजह से ये नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। किसानों को भी अपने पशुओं के लिए चारे के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वहीं बाढ़ वाले इलाकों में फंसी बैलगाड़ियों को भी किसान नाव में रखकर ऊंचे इलाकों में ले जा रहे हैं। मुरादाबाद में ढेला नदी में भी बाढ़ का पानी काफी आ गया है, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। तो वहीं कुछ गांव में भी बाढ़ का पानी आ गया है। सेहल रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरपास में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। अगर बाढ़ का पानी जल्द नहीं उतरा तो ये अंडरपास भी पानी भरने से बंद हो जाएगा। उसके साथ ही गाँव में जाने आने वाले रास्ते भी पानी में डूब जाने की वजह से अब लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रेलवे लाइनों के सहारे बाइक से आ जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से बिजनौर कालागढ़ डैम से रामगंगा नदी और ढेला नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से निचले ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। संगीता, संगीता ये बताइए, आप बहुत देर से यहाँ नदी के किनारे खड़ी हैं, क्या प्रोग्राम है आपका, कहाँ जाने जा रहे हैं? घर जाएंगे। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना है? खेत पर से आ रहे हैं। खेत पे काम करने के लिए? कैसे आते जाते हो आप? नाव से आते जाते हैं। अच्छा, कितने रुपए लगते हैं? 5 रुपए लगते हैं। एक तरफ नहीं, आने जाने के दोनों। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है जब से नदी का पानी बढ़ा है? पानी में जाते हैं आप तो पूरे नाव वो पानी ज्यादा। हाँ, एक लकड़ी का पुल था, वो कहाँ गया? वो खेड़ दिया, बह गया। सर्वेश किस इंतजार में करेंगे? पानी नाव के इंतजार में खड़े, नाव आएगी, नाव से जाकर। अच्छा, तो क्या हर साल ऐसे ही आपको नाव के सहारे? हाँ, खेतों में जाने के। हाँ, यहाँ पर पुल नहीं है कोई? पुल हाँ, फेर दिया बाढ़ गाड़ने से, ये पानी आ गया तो। लकड़ी का पुल था? हम्म। तो क्या वो बह गया? नहीं है। अच्छा, हटा लिया मतलब? हम्म। कितनी परेशानी होती है आप पानी? अब पानी आया तो आने जाने में परेशानी होती है, और पानी नहीं होता तो वो पुल से आ जाते लकड़ी के। हम्म।